नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। भयावह रूप धारण किए ताउते तूफान फिलहाल गुजरात में है। इससे पहले यह तूफान देश के तटीय शहर मुंबई से होकर गुजरा था। जानकारों का मानना है कि 40 साल में पहली बार कोई इतना खतरनाक तूफान शहर में आया है। ताउते के चलते कई फ्लाइट रद्द हो गयी, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ठहर गयी है। इस दौरान शहर वासियों ने कमजोर मोबाइल नेटवर्क और बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार इस तूफान की वजह से राज्य में 6 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के जानकारी दी है कि ताउते सोमवार को मुंबई के तटीय क्षेत्रों में 120 से 130 किलोमीटर के दूर से गुजरा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के एक्सपर्ट के हवाले से बताया गया है कि 1981 के बाद यह पहला मौका है जब इतना भीषण तूफान शहर के इतने करीब से गुजरा है। अगर निसर्ग तूफान से इसकी तुलना की जाए तो यह मुंबई के तटों से 110 किलोमीटर की दूर पर था, लेकिन शहर कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया। बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि तूफान के दक्षिण से उत्तर की ओर जाने के दौरान गुजरात की तरफ बढ़ते हुए दक्षिण मुंबई से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई तट पर अपने चरम पर पहुंचने के बाद तूफान 120 नॉट्स की रफ्तार से चल रहा था। यह तूफान उत्तर पश्चिमी दिशा में गुजरात की ओर बढ़ा और शहर में हवाओं की रफ्तार तेज हो गई। तूफान की भयावहता इतनी थी कि नागरिकों ने शहर भर में वीडियो शेयर किए, जिसमें टूटे पेड़, बिजली के गिरे हुए तार। बीएमसी के कोलाबा में अफगान चर्च स्थित मौसम स्टेशन के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे शहर में हवाओं की रफ्तार 114 किलोमीटर प्रति घंटा थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि तूफान का असर यह रहा कि दीवार गिरने की 26 अलग अलग घटनाओं में 8 लोग घायल हो गए। वही शॉर्ट सर्किट के 17 मामले दर्ज किए गए और कम से कम 779 पेड़ धराशायी हो गए। बोरीवली पूर्व में एक घर की दीवार गिर गई, जिसमें परिवार के 4 सदस्यों को चोट आई है, जबकि अंधेरी में महिला के ऊपर दीवार का टुकड़ा गिर गया। बीएमसी की तरफ से जानकारी मिली है कि महिला की हालत स्थिर है और उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।